दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल को सैमसंग के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं इंडिया मार्केट में। पहला होगा दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी F02S और दूसरा होगा F12L। यहाँ पर फाइनली दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी F02S स्मार्टफोन की प्राइस निकल कर आ चुकी है। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या स्पेक्स होगी और क्या प्राइस होने वाली है इंडिया मार्केट में जब भी लॉन्च किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पहले बता दूँ स्मार्टफोन की स्पेक्स आपसे कि स्पेक्स क्या होगी कल ये जब स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। तो डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। फाइनली अगर डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें ना, तो पीछे आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगी और साथ ही पीछे की तरफ यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सैमसंग अपने काफ़ी कम बजट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप प्रोवाइड करा रहा है। वहीं पर प्राइमरी सेंसर की बात करें ना, तो वहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देगा। लेकिन यहाँ पर सेल्फी कैमरा में शायद थोड़ी सी आपको नाराजगी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच में सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एटलीस्ट यहाँ पर आपको सैमसंग को 8 मेगापिक्सल का तो सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करना ही चाहिए था। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 400 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 450 होने वाला है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी ना, वो मीडियाटेक की हीलियो G35 जैसी देखने को मिलेगी और उससे भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये क्वालकॉम का प्रोसेसर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक तो क्वालकॉम का प्रोसेसर काफ़ी कम बैटरी कंज्यूम करते हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन को लॉन्च वेरियंट की, तो ये स्मार्टफोन 2 वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा। 3 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज। इसकी दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगी 8,000 रुपये, यानी कि 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ही स्मार्टफोन आपको 8,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसका 4 GB RAM और 64 GB स्टोरेज वेरियंट आपको 9,000 रुपये में देखने को मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी एग्रेसिव प्राइस रखी गई है इस बार सैमसंग की तरफ से। वहीं पर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको माइक्रो USB का सपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी चार्ज करने के लिए 10 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। वैसे 10 वॉट का चार्जर यहाँ पर फास्ट लिखा है सैमसंग ने, लेकिन यहाँ पर 10 वॉट का कोई फास्ट चार्जर होता ही नहीं है। 10 वॉट की तो नॉर्मल चार्जिंग होती है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन कल लॉन्च होने वाला है। अब इसके प्राइस एंड स्पेक्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अगर आप दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन की स्पेक्स एंड प्राइस देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखिएगा। उम्मीद तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।